हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एडमिशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 2 अगस्त से आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, आपके एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड कोर्स के लिए। कल से आप अपने एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, और कौन से कोर्स एंट्रेंस बेस्ड हैं और कौन से कोर्स आपके मेरिट बेस्ड हैं, और इसकी फीस के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पोर्टल नज़र आ रहा होगा, एडमिशन 2021, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021 का पोर्टल दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021 का पोर्टल दिया है, और एमफिल पीएचडी एडमिशन 2021 का पोर्टल दिया है। यहाँ पर अभी आपका अंडर ग्रेजुएट का जो पोर्टल है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट है, इसलिए अभी ये पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एडमिशन 2021 वेबसाइट पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पर नीचे जाना है। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पर वो कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेरिट बेस्ड हो चाहे वो एंट्रेंस बेस्ड हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन विच एडमिशन इज़ मेरिट बेस्ड, कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो मेरिट बेस्ड है, तो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। आप BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, BA ऑनर्स अरबिक, BA ऑनर्स बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, जियोग्राफी, आप इन सब्जेक्ट से अपनी BA ऑनर्स कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स BA प्रोग्राम, इसके बाद BCom ऑनर्स BCom प्रोग्राम, इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इसके बाद आपका बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट हैं, इसके बाद आपके BA वोकेशनल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, इसके बाद BA वोकेशनल प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट हैं, वो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एंट्रेंस बेस्ड आपके जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आपके जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, इसके बाद हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल इंस्ट्रूमेंटल, इसके बाद आपका कर्नाटक म्यूज़िक वोकल, तो ये आपके सब्जेक्ट दिए। इसके बाद आपका BLED, BMS, BBE, BBA, ये आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, BTech दिया हुआ है, आपका 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका जर्नलिज्म, ये आपका दिया गया। तो ये टोटल आपके कोर्स दिए गए हैं जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, यदि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको ये जानना है कि कितनी फीस है और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डिटेल्स पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, आपको अगर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के लिए पता करना है, कॉमर्स के लिए, एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने जितनी भी उस कॉलेज की फ़ीस है और जितनी भी उसमें सीट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर BA ऑनर्स
अगर आप पंजाबी से करते हैं तो टोटल सीट्स हैं जनरल के लिए वो इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इतनी, और फीस कितनी है वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो आपको जो भी कोर्स करना है यहाँ पर आप कोर्स वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके लिए कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेज ये कोर्स करवाते हैं, प्लस उसमें कितनी सीट्स हैं, प्लस उसमें कितनी फीस है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप जो भी कॉलेज है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसकी क्या क्या, कि उसकी क्या फीस है और उसमें कितनी सीट्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बीए इंग्लिश ऑनर्स दिया है आर्यभट्ट कॉलेज में, यहाँ पर टोटल 58 सीट हैं। इसके बाद इसकी जो फीस है वो 13,830 रुपये है, ऐसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको दी गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं एजुकेशन में आएंगे तो आपके लिए यहाँ पर बीएलएड का कोर्स आएगा। तो यहाँ पर अभी बीएलएड के लिए कोई प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, जब भी प्रोस्पेक्टस आएगा बीएलएड का, अभी यहाँ पर सिर्फ आपको जेएसएस एंड मैरी कॉलेज के लिए टोटल सीट्स दी गई हैं। इसके बाद जब बीएलएड का जो प्रोस्पेक्टस आएगा, कल आपका बीएलएड का प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि बीएलएड के जो कॉलेज हैं टोटल 8 कॉलेज हैं, इसमें आपको कितनी सीट्स दी जाएंगी, कितनी फ़ीस होगी, ये सारी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा आपको उस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। इसके बाद आपको अगर कॉमर्स के सब्जेक्ट देखने हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे कॉमर्स के सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखनी है तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं आपको जिस भी कोर्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए क्या है, इसके बाद जैसे कि यहाँ पर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि ये मेरिट बेस्ड कोर्स है, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपका 12th पास आउट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये आपको डिटेल्स दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे आप अपने सारे कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ कॉलेज देखना चाहें तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सारे कॉलेज भी दिख जाएंगे कि टोटल कितने कॉलेजेस हैं। यहाँ पर आप उस कॉलेज पे क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे मैंने इस कॉलेज पे क्लिक किया तो इस कॉलेज की डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट अपडेट कि आप ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इस न्यू पोर्टल पर, पहले ये पोर्टल जो है आपका ओपन नहीं था, सिर्फ पीजी के लिए ये पोर्टल ओपन था, अब आपका ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया। आप जितने भी प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पर सारे प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस है और टोटल कितनी सीट्स हैं उन कॉलेजेस में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।